हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो फाइनली हमारे पास स्कोप का जो 2022 के राउंड 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आप काम करिए, वेबसाइट पर जाइए एंड अपना स्टेटस चेक करिए कि अभी आपको कौन कौन से ऑफर्स मिले हैं। ठीक है, आपको मल्टीपल ऑफर्स वहाँ पर दिखाई देंगे एंड देन आपको उस मल्टीपल ऑफर्स में से तीन ऑप्शन आपके पास होंगे जो आपको चूज करना होगा एंड डिसाइड करना पड़ेगा एक तरीके से। तो तीन ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ का। दैन सेकेंड ऑप्शन होता है रिटेन एंड वेट का। दैन थर्ड ऑप्शन डायरेक्टली होता है रिजेक्ट का। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन में कोई जोन सा भी आप ऑप्शन चूज़ करेंगे, प्लीज़ एक बता रहा हूँ कि सोच समझ के चूज़ करना, लाइक अपना पूरा रिसर्च कर लेना, क्योंकि अब टाइम है। लाइक आज 3rd of July है, आई थिंक 5th July तक आपके पास टाइम है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो लगभग 2 से 3 दिन है आपके पास, 2 से 3 दिन है, तो इन 2 से 3 दिन का पूरा यूटिलाइज़ कीजिए एंड पूरा जितने भी ऑफर्स आपको मिले हैं उनको एनालाइज करने का मतलब क्या है। लेट्स सपोज अगर आपको फ्री एक्सेप्ट में फ्रीज ही करना है, ठीक है, तो मे बी आपको एक ले लेते हैं सिचुएशन ले लेते हैं। लेट्स सपोज IIT खड़गपुर से, IIT KGP से एंड IIT कानपुर से। ठीक है, IIT कानपुर से, यहाँ से दोनों का CSE का ऑफर मिला है। ठीक है, CSE का ऑफर मिला है, आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा अब आपको एक्सेप्ट ही करना है। लाइक आपको आपने मन बना लिया कि इनमें से इन दोनों में से किसी एक कॉलेज में मेरे को जाना है। ठीक है, एंड आप चाहते हैं कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इन दोनों IITs के बारे में, लाइक ऑब्वियसली दे आर वेल रेप्यूटेड कॉलेजेस, बट इन दोनों में से जो चूज़ करना है आपको, किस तरीके से चूज़ करना है आप इनके, लाइक एक तरीके से एक फेसबुक पर गेट ऑफ फ्लो का ग्रुप है, वहाँ पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो एल्यूमनाइज होंगे वो यहाँ पर अपना क्या कहते हैं जो उनके राय है वो अपना बता सकते हैं। देन लिंक्डइन पर जाइए एंड जो IIT KGP IIT कानपुर के जो MTech वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनसे जाके बात कीजिए। थोड़ा लाइक रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कुछ पर्सनल मैसेज लिख देना कि दैट कि मुझे ये ऑफर्स मिले हैं, सो व्हाट शुड आई चूज़, एंड वो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस एक तरीके से बताएंगे कि आपको कि किस तरीके का वहाँ पे सिनेरियो है, वहाँ पे किस तरीके के सिचुएशन है वहाँ पे IIT KGP में कानपुर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करिए एंड देन उनकी वेबसाइट पर जाइए, IIT खड़गपुर की कानपुर की, दोनों की प्लेसमेंट स्टैट्स देखिए, करिकुलम देखिए, प्रोफेसर्स के बारे में देखिए। तो उसके बाद फिर आपको पूरा डिसाइड करना है कि कौन सा इनमें से एक्सेप्ट करना है एंड कौन सा इसमें से डिक्लाइन करना है एक तरीके से। ठीक है, सेम केस फॉर रिटेन एंड वेट के लिए। लाइक रिटेन एंड वेट में आपके पास क्या होगा, लाइक 3-4 ऑप्शंस में भी हो सकता है, जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं। लेट्स सपोज अभी एक जैसे आया IIT इंदौर का आ गया, IIT जम्मू का आ गया, IIT भिलाई का आ गया। ठीक है, तीन IITs का आया है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि अब आपको इनमें से कोई एक्सेप्ट तो आई थिंक नहीं करेगा अभी। ठीक है, इतनी जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इन तीनों IITs में से, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या रिटेन एंड वेट में जाएंगे या फिर डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड भी आपको करना पड़ेगा कि इन तीनों में से अगर एट द एंड कोई एक IIT मिल गया तो आप क्या जाना चाहेंगे या नहीं। अगर आप जाना चाहते हैं किसी एक IIT में इनमें से, तो हाँ रिटेन एंड वेट पर कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे अपनी रिसर्च के बाद जो बेस्ट लगे तो आप जा सकते हैं। ठीक है, वरना डायरेक्टली अगर आपको लगता है कि हाँ इन तीनों IIT से मुझे बेटर और मिल जाएगा तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड अभी मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपको दिखा देता हूँ IITs की, अभी लाइक थोड़ी देर में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो जब तक उससे पहले थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिसाइड हो गया है कि हाँ इन तीनों में से किसी एक कॉलेज में भी नहीं जाना मेरे को डायरेक्टली, फिर देन रिजेक्ट करना, और 3 दिन का टाइम है, ज़रूर सोच के करना है, जल्दबाजी नहीं है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी ही करना है, आज के दिन ही आपको सब कुछ करना है। ठीक है, तो सोच समझ के अच्छे से अपना डिसाइड करना। एंड रिटेन वेट के लिए भी एक कंडीशन होती है, लाइक दो बार ही यूज़ कर सकते हैं आप इसे, दो बार ही यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज राउंड वन में आपको अगर IIT लेट सपोज IIT इंदौर का CSE मिला, IIT इंदौर का CSE मिला, एंड राउंड टू में भी आपको सेम मिला IIT इंदौर का, आपने इसे रिटेन कर लिया। ठीक है, आपने क्या कर लिया, इसे इस वाले ऑप्शन को रिटेन एंड वेट में डाल दिया। एंड देन राउंड टू में मे बी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके अलावा और कोई ऑफर नहीं आए, और सेम ऑफर आया, ये सेम ऑफर आया IIT इंदौर का CSE। ठीक है, अब राउंड थ्री में आप इसे वापस रिटेन नहीं कर सकते हैं, लाइक किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज और उसकी ब्रांच को आप दो बार ही रिटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम दो बार रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने IIT इंदौर की CSE की राउंड वन में रिटेन एंड वेट कर डाल दिया, देन राउंड टू में भी रिटेन एंड वेट डाल दिया, अब राउंड थ्री में आप वापस ही रिटेन एंड वेट में नहीं डाल सकते। ठीक है, या तो आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना पड़ेगा या रिजेक्ट एंड वेट करना पड़ेगा, इन दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा। एंड राउंड थ्री में मे बी मल्टीपल आपके पास और भी ऑफर्स आए होंगे, देन उस पर आप रिजेक्ट एंड वेट कर सकते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे अगर आ गया कि IIT कानपुर से CSE का ऑप्शन आ गया, IIT कानपुर से CSE का ऑप्शन आ गया, अब इसको आप दो बार और क्या कहते हैं राउंड रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। राउंड थ्री के बाद रिटेन एंड वेट कर दिया, देन राउंड फोर में मे बी अगर सेम ऑप्शन ना, तो यहाँ पे भी रिटेन एंड वेट कर दिया, देन राउंड फाइव के लिए फिर आपको रिटेन एंड वेट का ऑप्शन तो चला ही जाएगा, राउंड फाइव में तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक कंडीशन रहती है कि दो बार ही आप एक पर्टिकुलर कॉलेज की और एक ब्रांच को दो बार ही रिटेन कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब प्रीवियस कट ऑफ्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ एंड कोप की वेबसाइट पर भी लेके चलता हूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए। तो कोप की वेबसाइट पर चलते हैं, ये कोप 22 की वेबसाइट है जो IIT बॉम्बे इस बार संभाल रहे हैं,
एंड जो लास्ट टाइम था आईटी रुड़की के भी फ्रेश ऑफर्स आए हैं ठीक है। एंड राउंड थ्री के ऑफर्स लाइव हो चुके हैं, तो आप लॉगिन करके अपने चेक कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स में जाएंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राउंड थ्री के लिए टोटल आपके पास टाइम है 3 से लेकर 5 जून तक। तो अपना प्लीज़ पूरा अच्छे से एनालाइज करके देन डिसाइड करना ठीक है, देन एक्सेप्ट। एंड राउंड फाइव में तो रिटेनर बिट का कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, तो वहाँ पे सीधा नो है। एंड ये येस नो किस लिए कि वो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर है कि आपने राउंड वन और राउंड टू में क्या करा था ठीक है। एंड रिजेक्टेड मिट का एंड एक्सेप्ट फीस का ऑप्शन तो हमेशा रहता ही रहता है ठीक है। एंड जो प्रीवियस के लिंक्स हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, लाइक ये डॉक है, इसमें मैंने कुछ वीडियोज़ के लिंक भी डाले हैं जिसमें CCMT की जो वीडियोज़ है वो वाली वीडियोज़ हैं। एंड मिल जाएगी IIT बॉम्बे की 2020-21 की मिक्स है यहाँ पे, IIC बैंगलोर की, IIT मद्रास, देन IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT KGP का 2021 एंड IIT KGP का 2022, ये दोनों है ठीक है। एंड देन अगर 2029 की सारी कट ऑफ आपको देखनी हो, जिस इसमें सारी IIT से कट ऑफ है ठीक है, तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे एक अलग से ड्राइव में लिंक खुल जाएगा, PDF फाइल खुल जाएगी। एंड यहाँ पे आप आके सर टू A में प्रोवाइड करा गया है, तो यहाँ पे मे बी लेट्स सपोज दिल्ली सर्च कर दीजिए तो IIT दिल्ली का आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं IIT दिल्ली के 2019 के जो कट ऑफ्स हैं वो आ गए हैं। एंड एज़ पर द लाइक जो कैटेगरी के बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ्स हैं वो आप अपनी ब्रांच के हिसाब से देख सकते हैं ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो ऊपर भी लिंक्स हैं ये सारे क्लिकेबल हैं, तो आप इन पे भी क्लिक करके लाइक अपना जो रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स है वो देख सकते हैं। एंड ये वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, लाइक आई थिंक आज IIIT दिल्ली का जो सेकेंड राउंड है वो भी रिजल्ट आने वाला है। IIIT दिल्ली का जो सेकेंड रिजल्ट का MTech का जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट है वो भी आज डिक्लेयर हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो ला सकूँ। एंड अगर आपने और भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ यहाँ पे आके यूट्यूब पे आके सर्च कीजिए जतिन गुप्ता, तो यहाँ पे आपको चैनल का आइकन दिखा देगा। एंड इस चैनल के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे वीडियोस वाले सेक्शन में आके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो भी थी DTU का जो MTech के एडमिशन है वो शुरू हो गए हैं, देन उससे पहले CCMT की प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स वगैरह, IIIT हैदराबाद का राउंड टू के रिजल्ट्स। एंड एक मैं अभी 2 से 3 दिन में पक्का लेके आऊँगा कि CCMT का जो CSE का प्रेफरेंस है वो किस तरीके से रखना है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए एंड आपसे मिस ना हो ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगली वीडियो मिल जाए तब तक के लिए बाय बाय।